नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का आपके अपने न्यूज चैनल वर्ल्ड इमिग्रेशन न्यूज में। देश विदेश से जुड़ी खबरों के लिए दोस्तों सब्सक्राइब कर लो ताकि इन्फॉर्मेशन सीधी आपके फोन तक आ पहुंचे। आज दोस्तों बात करेंगे एक ऐसे समाज सेवी के बारे में जो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग स्टेट्स में। और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग इवन 40 की उम्र के बाद लोगों के घुटनों में दर्द होने लगता है, क्योंकि इसकी वजह है खान पान सही ना होना, इसकी वजह है नकली खाद्य पदार्थ खाना। और आज हर व्यक्ति को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखा जाए तो सुनने में आता सर घुटनों का दर्द रहता है जी, और नसों में कमजोरी है, चल नहीं पाते हैं या फिर बैठ नहीं सकते हैं, घुटने तक चौकड़ी तक नहीं लगा के बैठ सकते। तो ये सब कारण कुछ हमारी हेल्थी डाइट ना होने की वजह से या लोग अपना एक्सरसाइज नहीं करते हैं, इस वजह से इन सब चीज़ों की बीमारियों को फेस करना पड़ रहा है। परंतु इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं जिनके इलाज से बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं। ये कोई प्रमोशन नहीं दोस्तों कह रहा ये, परंतु सच्चाई लोगों तक पहुंचाना हमारा फर्ज है, क्योंकि लोगों के रिव्यूज हमारे पास आए। तो किसी कल परसों हिमाचल में था मैं, तो हिमाचल के एक बुजुर्ग से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि सर वृद्धजन सेवा संस्थान एक ऐसा संस्थान है जहाँ के डॉक्टर और यहाँ के जो मेन चलाने वाले ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अनूप भट्ट, इनका जाना माना नाम है इस फील्ड में, फिजियोथेरेपी की फील्ड में। आज लोग फिजियोथेरेपी को बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है दोस्तों जहाँ पर लोग बिना ऑपरेशन के अपने शरीर को स्वस्थ बना सकें। दोस्तों एक बार शरीर में कोई बीमारी हो जाए, और आजकल आप सबने देखा डॉक्टर्स बता देते हैं सीधा ऑपरेशन करा लो जी, चाहे वह पथरी की बीमारी हो सीधा ऑपरेशन करा लो, और लोग भी कराने चले जाते हैं। परंतु मेरा मानना यह है कि जितना ज़्यादा इलाज बिना ऑपरेशन के हो सके, देसी तरीके से देसी दवाइयों के इलाज हो सके। हम मैं किसी आयुर्वेदिक दवाइयों का प्रमोशन नहीं कर रहा और ना ही मैं किसी डॉक्टर की दवाइयों को चैलेंज कर रहा हूँ, परंतु मुद्दा यही है कि एक बार जो ओरिजिनल चीज़ होती है ना, वह ओरिजिनल होती है। आपके शरीर में एक बार ऑपरेशन हो जाए तो वह क्षमता नहीं रहती, वह आपकी ताकत नहीं रहती चलने की। तो इसी के साथ बताना चाहूँगा डॉक्टर अनूप भट्ट इस फील्ड में काम कर रहे हैं और अपने बारे में इंट्रोडक्शन यह आगे देंगे, आप जान सकते हैं इनके बारे में, वीडियो में आप देख सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज डॉक्टर अनूप भट्ट और मैं हिमाचल में अपना 13 वर्ष से अपना काम कर रहा हूँ और जन सेवा में एक चैरिटी चला रहा हूँ जो कि वृद्धजन सेवा संस्थान के नाम से है, और सभी पेशेंट्स मेरे पास में आते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट लेते हैं और मेरे कैंप की थेरेपी वगैरह का ट्रीटमेंट लेकर जाते हैं सारी पब्लिक। और मेरे पास में घुटने दर्द, जॉइंट्स पेन, डिस्क प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम सभी का इलाज होता है मेरे कैंप में, और मेरे कैंप में अलग अलग प्रकार की मशीनें रखी हुई जिसके ऊपर मैं अपने हर पेशेंट्स की थेरेपी करता हूँ। और मैं तो दोस्तों डॉक्टर अनूप भट्ट ने बहुत नाम कमाया फील्ड में और बहुत हाँ जी नमस्कार, ये हमारा कैंप वृजन सेवा संस्थान का सरका घाट के मंडी ज़िले के अंदर लगा हुआ है, जिस जगह का नाम है थोन्ना, और वहाँ पर ये पेशेंट्स आ रहे हैं बढ़ चढ़ कर मेरे कैंप में और काफ़ी फ़ायदा ले रहे हैं। जैसे कि ये मरीज मेरा ओबीसी मशीन के ऊपर ट्रीटमेंट लेता हुआ, बाकी जो मेरे सारे मरीज हैं वो ये मेरे इस तरफ में बैठे हुए हैं, जो मेरे चार मरीज जो टेंस मशीन पर ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि वो कितने दिन से आ रहे हैं और क्या फ़ायदा है इस कैंप में आके। हाँ जी मैडम जी नमस्कार, आपका नाम? लता देवी। अच्छा मैडम, आप कितने दिन से आ रहे हैं इस कैंप में? सर मैं 3 दिन से आ रही हूँ। आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस कैंप में आके? मैं थोड़ा आराम फील कर रही हूँ। बहुत बढ़िया जी, मुझे थोड़ा आराम है। अच्छा, और मैं अच्छा फील कर रही हूँ। ओके थैंक यू मैडम, आपका शुभ नाम? अच्छा, कितना आराम लग रहा है इस कैंप में आके आपको? पहले से। अच्छा, और कितने दिन हो गए इस कैंप में आते हुए आपको? 2 दिन हो गए। आपको कोई दवाई किसी प्रकार का कुछ चीज़ दिया मैंने अभी आपको? नहीं। आपको बिना दवाई के आराम लग रहा है यहाँ पे ट्रीटमेंट लेकर? अच्छा माता जी, आपका नाम बताइए। अच्छा माता जी, कितना दिन हो गया आपको कैंप में आते हुए? 2 दिन। कैसा महसूस कर रहे हैं इस कैंप में आके? अच्छा, कहाँ दर्द था आपको? अच्छा जी ठीक है, ओके। मैडम जी आपका शुभ नाम? अच्छा जी, कितने दिन हो गए इस कैंप में आते हुए? 3 दिन हो गए। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, आपको कोई दवाई किसी प्रकार की कोई मेडिसिन दी गई हमने? नहीं जी।
बिना दवाई के आपको आराम लग रहा है यहाँ पर आकर? ओके, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा कैंप है जिसके अंदर सारे पेशेंट दूर दूर से बढ़ चढ़ कर आए हुए हैं। ये सारे बुजुर्ग माताएं बाबूजी लोग बहुत सारे लोगों के रिव्यूज आपने सुने होंगे। इसमें बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया कि सर हमने इनसे इलाज करवाया और आज हमारे पास बहुत बढ़िया बिना ऑपरेशन के घुटनों का दर्द ठीक हुआ। तो ऐसे समाज सेवियों को नमन करते हैं हम लोग। अगर आप भी कोई समाज सेवा का काम कर रहे हैं, आप भी अगर किसी और फील्ड में समाज सेवा कर रहे हैं, तो ऐसी वीडियोस बना के हमें भेजिए, क्योंकि समाज तक यह संदेश जाना बहुत जरूरी है। और सिर्फ वीजा के लिए गाइडेंस करना हमारा फर्ज नहीं बनता। एक भारतीय होने के नाते, एक मानवता के आधार पर हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको सोशल मैसेज भी पास करें। अभी कुछ लोगों के हमारे पास मोटिवेशन की स्टोरीज डालने के रिगार्डिंग भी रिक्वेस्ट आ रखी है कि सर जितने भी लोग विदेश जाना चाहते हैं इन्हें मोटिवेशन प्रदान कीजिए, क्योंकि मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य करने के लिए आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए। कहते हैं ना, धक्का गाड़ी को लगाना बहुत जरूरी है। जब आपकी गाड़ी को धक्का लगता रहेगा तो एक समय आकर वह कहीं ना कहीं तो पहुंचेगी दोस्तों। तो यही हमारा मकसद है। और घुटनों के ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर अनूप भट्ट बैठे हैं आपके लिए। फ्री ये कैंप लगाते हैं अलग अलग स्टेट्स में। अगर आप अपनी स्टेट में कैंप लगवाना चाहते हैं या आपके कोई सामाजिक मंदिर वगैरह गुरुद्वारे वगैरह आपसे नॉन जानकार हैं, वहां के प्रधानों से आप संपर्क कीजिए और इस कैंप को ऑर्गेनाइज करवाइए। और मैं शर्तिया बात कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास रिव्यू आए कि इन डॉक्टर अनूप जी की सेवाओं के बाद, पांच पांच दिन के कैंप ये अलग अलग स्टेट में लगाते हैं, इनके इस सेवाओं के बाद, इन कैंपिंग के बाद बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है और मार्केट में इनका नाम, एक जाना माना नाम है दोस्तों। हिमाचल, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, अगर मैं बात करूँ बिहार, पंजाब, और अगर मैं बात करूँ उसके बाद अभी शिमला में इनका कैंप था। और अभी इनका पूरा मकसद है कि पूरी इंडिया की स्टेट्स को कवर किया जाए। समय कम होने की वजह से, टीम की शॉर्टेज होने की वजह से यह कैंप को पूरे तरीके से अलग अलग जगह पर ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और समय कम है। तो हम भी डॉक्टर अनूप जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि डॉक्टर अनूप जी आप जल्द ही कैंप दिल्ली में ऑर्गेनाइज कीजिए और हम आपका कैंप ऑर्गेनाइज करवाएंगे। जगह आपको हम अवेलेबल कराएंगे, फैसिलिटीज आपको हम अवेलेबल कराएंगे। आप गरीबों के लिए काम कीजिए, आप बुजुर्गों के लिए काम कीजिए, और इसी तरीके से परमात्मा आपको शक्ति प्रदान करे। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। इस वीडियो को शेयर करना, जरूरी नहीं कि वर्क परमिट की वीडियो को शेयर किया जाए। जो सामाजिक काम कर रहा हो उसको प्रोत्साहन करना हमारा फर्ज बनता है। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा दोस्तों और अलविदा कहूँगा आप सभी को। नई वीडियो के साथ आपके समय साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। बने रहिए लेटेस्ट खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।